चलिए राजा मोहम्मद अरशाद साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं राजा साहब को। तो मुबारकबाद तमाम सरपंच साहब, सरपंच मोहतरम खान साहब, मुबारकियत तालियों के साथ मुबारकबाद है आपको। असलम साहब जोरदार तालियों के साथ बुनियाद से, क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ। आज एक बार फिर बड़ी तादाद में माया नाज जो सियासी लीडर हैं पहाड़ी कबीले के, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जनाब राजा गुलाम मोहम्मद खान साहब जो कि कश्मीर के उड़ी के रहने वाले हैं, और जनाब राजा अरशाद खान साहब जो कि उड़ी कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं, और उनके साथ साथ यहाँ बड़ी तादाद में चुने हुए सरपंचीज और पंचीस आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से उत्तरी कश्मीर के उड़ी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इन माया नाज जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इनका वेलकम करता हूं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक जबरदस्त लहर चल रही है और बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा। जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम किए, गरीब मजदूर किसान गांव के शहर के पहाड़ के मैदान के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू रीजन के हों या वादी कश्मीर के रहने वाले हों, हर शख्स की भलाई का काम मोदी साहब ने किया है। किसानों के खातों में 6,000 रुपया फ्री राशन हर शख्स को, गरीब लोगों को महीने महीने की हजार हजार पेंशन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड 5-5 लाख, और इसके साथ साथ ई श्रम कार्ड हो या बाकी की स्कीमें हों, गांव गांव के अंदर सड़कें स्कूल हॉस्पिटल बिजली पानी, बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट के काम आज गांव में पहाड़ में और शहर में पंचायतों में हो रहे हैं, ये इसका सारा क्रेडिट मोदी साहब को जाता है। और मोदी साहब ने जो डेवलपमेंट के काम लोगों के किए उससे खुश होकर ये पहाड़ी कबीले के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब और हमारे जनाबे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने जिस तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों, जितने भी मीडिया हमारी यहाँ पे आई हुई है, मैं आप लोगों को इस चीज़ से जैननशीन कह दूँ अपनी बात के हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना क्यों फैसला लिया कि आज तक जितनी भी सियासी पार्टियां आई उन लोगों ने हमारे से वोट लिया, हमारे से मेहनत करवाई, हम रात दिन करके उन लोगों को जीतवा के भेजते रहे, लेकिन आज तक हमारी कौम के लिए किसी भी जमात ने बात नहीं की। पहाड़ी कौम के लिए जो हमारी पहाड़ी कौम है हमेशा कभी भी जिस वक्त इनको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमारा डिफेंस का एरिया हो चाहे कोई सियासी पार्टी हो, वोट हम देते हैं जिताते हैं हमें ऐवानों पे हम भेजते हैं, लेकिन हमारी पूरी कौम का आज तक किसी जमात ने बात नहीं की। आज 70 साल के बाद वाहिद कोई जमात है कि लाल किले से आवाज़ उठा कि पहाड़ियों का हक है और पहाड़ियों का हक दिया जाए। इसलिए हमने पूरी कौम ने फैसला ले लिया कि हम उसी जमात को वोट और सपोर्ट और उसी जमात का दामन थामेंगे जो जमात पहाड़ी कौम की बात करती है और पहाड़ी कौम के साथ इंसाफ करती है। देखो हमारे आज तक हमारी दो बरादरियां हैं, चाहे गुजर बरादरी है चाहे पहाड़ी बरादरी है, एक ही पहलू के दो मामले हैं। अगर उनको हक मिल रहा है तो पहाड़ियों को क्यों नहीं? पहाड़ी भी वो ही करते हैं, पहाड़ी भी 6 महीने बैकू में जाते हैं, गुजर बरादरी भी 6 महीने बैकू में जाती है। तो आज ये जमात सबसे पहले चाहे हमारे
वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने ऐलान किया, चाहे हमारे अमन शाह साहब हैं उन्होंने ऐलान किया, रैना जी हैं इन्होंने पहाड़ियों का आवाज़ उठाया कश्मीर से, इसलिए हम सब इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह हमारी बिल्कुल जिस वक्त ज़रूरत होगी पूरी पहाड़ी कौम इनके साथ। मैं जनाब रैना साहब के हम पूरी तहसील उड़ी के लोग शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा देरीना मांग जो हमारी थी पहाड़ियों की, 70 साल साहब का हुकुमरान ने दबा कर रखी और इन्होंने उसमें पहल किया और एक झंडा लेकर चले हमारे रैना साहब। मोदी साहब ने ऐलान किया लाल किले से कि पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा। हम किसी मुखालफत नहीं करते, गुजर और पहाड़ी ये एक कौम है, एक ही जगह रहने वाले, एक ही हमसाए हैं आपस में। अगर उनको हक मिला हम उसकी मुखालफत नहीं करते, उनका भी हक है, लेकिन पहाड़ियों को जो हक है उनको अपना हक मिलना चाहिए। उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम कुर्बानी दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं इसी वजह से कि हमारे पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। बाकी हमारी गरीब आवाम है जो उनको दबा कर रखा आज तक साहब का हुक्मरान उन्होंने, चाहे उसमें NC हो, PDP हो, कांग्रेस हो, ऊपर के अपने घर बनाए उन्होंने, लेकिन आवाम के काम किसी ने नहीं किया। इस वक्त तक हमारी आवाम दबी हुई है और इस वक्त हम पंचायतों में हमें लोगों ने चुना है लेकिन हमारे काम नहीं कर रहे हो रहे हैं। हम इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं ताकि हमारे गरीबों के काम हों और हमारे ST का दर्जा पहाड़ी को मिलना चाहिए। उसमें हम रैना साहब के शुक्रगुजार हैं कि हर जगह आवाज़ उठाई।